बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक की मौत के बाद धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्तार और अतीक के गुर्गों ने बीजेपी नेता और एडवोकेट मुदित कुमार शर्मा के व्हाट्सएप कॉल किया और उनको धमकी दी। इसके बाद बीजेपी नेता ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जेल अधीक्षक को भी फोन पर इसी तरह की धमकी मिली थी। कॉल आई जिसमें 4 मिनट कुछ सेकंड बाद हुई, डिटेल से उसने धमकी दी हमको और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम से हत्या के उसमें नाम लेते हुए कहा कि तुम्हारे यहाँ के पंडितों का इनकी हत्या में काम है, नाम है तुम्हारे इनकी हत्या में। तो हमने कहा हमसे क्या मतलब इसमें, तो उनका हमारी बात सुनो, तुम्हारा लोगों की घर की लोकेशन हमारे पास है, अब तुम लोगों की खैर नहीं है और हम जो भी करते हैं चुनौती दे के करते हैं, ऐसी धमकी आई। एक प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ थाना कोतवाली में प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बताया गया कि उनको व्हाट्सएप के माध्यम से एक बाहर के नंबर से +92 से कॉल आई जिनके द्वारा बताया गया कुछ माफियाओं का नाम लिया गया और उनसे उनको डराने की बात की गई। तो तत्काल में इसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीम गठित की गई है और जो भी जिनके द्वारा भी ये शरारत की गई है धमकाया गया उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।